हेलो दोस्तों, भले ही आप कोई आर्टिस्ट हैं या फिर बैंक कर्मचारी या फिर स्टूडेंट, पेंसिल तो हर कोई इस्तेमाल करता ही है। और बचपन के टाइम पेंसिल के मामले में लड़ाई झगड़े तक छिड़ जाती थी। अब वही कई बच्चे अप्सरा पेंसिल इस्तेमाल करते थे तो कई बच्चे नटराज का। लेकिन ये बात शायद आपको ना पता हो, भले ही आपका पसंद अप्सरा हो या फिर नटराज, दोनों में से जो भी पेंसिल आप खरीदते हैं, आपके पैसे एक ही कंपनी के पास जाती है, क्योंकि इन दोनों पेंसिलों को एक ही कंपनी बनाती है और वो है हिंदुस्तान पेंसिल पीवीटी लिमिटेड। तो दोस्तों आपको बता दे, ये कंपनी भारत में 80 लाख पेंसिल्स को बेचती है और वहीं कई बच्चे पेंसिल से लिखते कम चबाते ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे में कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर पेंसिल को कैसे बनाया जाता है और लेड को पेंसिल में कैसे भरा जाता है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके बनने के सारे प्रोसेस को जानेंगे। तो दोस्तों पहले के समय में पंख और स्याही की मदद से लोग लिखा करते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि लिखने के दौरान ही स्याही पेपर पर गिर जाया करती थी और सारा का सारा लिखा हुआ कागज खराब हो जाता था। फिर इसके बाद लोगों ने चारकोल का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी समस्या आने लगी, क्योंकि लिखते समय चारकोल हाथों को काला कर देते थे। फिर इसी दिक्कत को देखते हुए चारकोल को लकड़ी से कवर कर दिया गया, जिसे आज हम लोग पेंसिल कहते हैं। तो दोस्तों पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लेड पर काम किया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट की क्ले और पानी के साथ उन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर को लेड का शेप देकर बाहर निकाल देती है। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस में लेड को ड्राई किया जाता है। फिर लेड्स को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है ताकि यह हार्ड हो सके। फिर इस लेड को वैक्स में डुबाया जाता है, और अगर वही कलर पेंसिल बनानी होती है तो वैक्स या क्ले में कलर मिला दिए जाते हैं, जिससे लेड बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इस लेड को लकड़ी में डालने की। तो अब बात आती है कि लकड़ियों को कैसे बनाए, क्योंकि पेंसिल सिर्फ उन्हीं लकड़ियों से बनाई जाती है जो बाद में शार्पनर से अच्छे से छिल जाएं और इतनी भी कमजोर ना हो कि लिखने के दौरान हाथों में ही टूट जाएं। दोस्तों इसीलिए पेंसिल को बनाने के लिए देवदार लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है। फिर इसके बाद मशीन द्वारा कुछ इस तरीके से ग्रुप्स बना दिए जाते हैं ताकि इनके ऊपर लेड को रखा जा सके। तो सबसे पहले इन ग्रुपों में ग्लू को भरा जाता है और फिर इसके लेड्स को डाला जाता है ताकि वो अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर इसके बाद सेम शेप और साइज में बनी शीट्स को इसके ऊपर रखा जाता है, जिसके बाद इसे एक कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां प्रोसेस करीब एक घंटे तक चलता रहता है। ऐसा करने से दोनों शीट्स आपस में काफी अच्छी तरीके से चिपक जाती है। दोस्तों बारी आती है इस शीटों को पेंसिल में बदलने की। तो उसके लिए कंप्रेसर मशीन में डाली गई शीट्स को इस मशीन से गुजारा जाता है, जो इन शीट्स को अलग अलग शेप में काट देती है। और आप तो जानते ही होंगे कि नटराज पेंसिल में हेक्सागन शेप का यूज किया जाता है, जिसके लिए अब प्रोसेस दो बार करना पड़ता है। अब इस प्रोसेस के बाद इन पेंसिलों को लेक्विरिंग हेड नाम की मशीन में डाला जाता है, जो कि इस मशीन का काम होता है इस लकड़ी को पेंट करना। तो इस मशीन में एक एक करके पेंसिल जाती रहती है और पेंट होकर बाहर आती रहती है। और दोस्तों पेंसिल को सुखाने से पहले स्टैम्प्स को लगाया जाता है। तो दोस्तों अब पेंसिल बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन कई पेंसिलों में ऊपर की तरफ इरेजर लगाई जाती हैं, तो उसको लगाने के लिए काम बढ़ जाता है। तो दोस्तों इरेजर को बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ को हीटिंग रोलर में डाला जाता है, जिसमें पुराने और खराब हो चुके रबड़ को भी डाला जाता है, और इस रबड़ को सख्त करने के लिए इसमें सल्फर को भी मिलाया जाता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा तेज करने के लिए इसमें कई प्रकार के कैटलिस्ट भी मिलाए जाते हैं, जो इस प्रोसेस को काफी तेज कर देते हैं। और अब फिर इसमें कलर और वेल्कनाइज ऑयल भी डाला जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी वेल्कनाइज ऑयल की वजह से ही रबर में पेंसिल से लिखे हुए अक्षरों को मिटाने की शक्ति आती है। फिर इसके बाद सख्त हुए रबर को एक मशीन द्वारा काट लिया जाता है। फिर वर्कर इन्हें स्टीम हीटेड ओवन में छोड़ देते हैं। फिर बाद में इन्हें ठंडा होने के लिए इन्हें पानी में डाला जाता है,
फिर इसके बाद एक मशीन इन्हें पतले पतले स्ट्रिपों में काट देती है और इस तरह एक मशीन पेंसिल पर एल्यूमिनियम होल्डर को लगाती रहती है और उसी में एक मशीन इसमें रबर लगाने का काम करती है। तो दोस्तों इस प्रोसेस के बाद ये पेंसिल बाजार में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो दोस्तों आप कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।